वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तीन अक्षर वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? त में बड़ी की मात्रा तीन, तीन अ क्षत्रिय अक्षर र अक्षर, व में आ की मात्रा, ल में ए की मात्रा वाले श आधव द शब्द। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स बनाए हैं। यहाँ पहले किसकी पिक्चर बनी है? ये कमल की पिक्चर बनी है। किसकी? कमल, है ना। और ये क्या बना है? ये बना है कलश, ठीक है। तो ये देखिए, कमल में क्या होता है? क म ल, तीन अक्षर है ना। तीन अक्षर से क म ल क्या बनेगा तीनों मिलाकर के? कमल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? क ल श, तीनों क्या है मिला करके पढ़ने के, हम इसको तीनों को मिला कर पढ़ेंगे तो क्या होगा? कलश, ठीक है। फिर यहाँ पे है म ग र, मगर। यहाँ पे है म द न, मदन। फिर यहाँ पे है ग ग न, तीनों को मिलाया तो क्या बना? गगन। श ह र, शहर। सबको समझ में आया? फिर से बोलिए मेरे साथ, क म ल कमल, क ल श कलश, म ग र मगर, म द न मदन, ग ग न गगन, श ह र शहर। आप लोग अपनी बुक में भी देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 5 में। ये देखिए सब लोग, जो आपकी बुक है ना स्वर आनंदी, इसमें पेज नंबर 5 में देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है ना। यहाँ पिक्चर बनी है क प्लस म प्लस ल कमल। यहाँ देखिए सड़क, सड़क दिया हुआ है ना। इसी तरह देखिए यहाँ पे जो पिंक वाली लाइन में क्या है? लहर, ठहर ठहर, नहर नहर, शहर शहर। फिर क्या है? कपट, कपट, झपट झपट, रपट रपट, रहट रहट। इसे जो दिया हुआ है आपकी बुक में, इसे सारा आप लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है। और जिसके पास बुक नहीं है, सब लोग अपनी बुक में देखिए, ठीक है। सब लोग बुक ले भी लीजिएगा, हाँ। ओके, थैंक यू।